दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर से बुना फिरकी का जाल। जी हां दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा दोनों ने मिलकर अपने फिरकी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को इस कदर परेशान किया जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह उजड़ गए। तो आखिरकार कैसे रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने अपनी गेंदबाजी से सभी को हैरान कर दिया, ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन में से कौन है बेहतर गेंदबाज? इस बात का जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मुकाबला नागपुर के मैदान पर रोमांटिक तरीके से खेला जा रहा है, जहां टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में मात्र 177 रन पर ऑल आउट कर दिया। तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई तो भारतीय टीम ने पहले दिन की समाप्ति तक 77 रन एक विकेट के नुकसान पर बना दिए। इसके बाद अब दूसरे दिन भी भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने जमकर बल्लेबाजी की और 321 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां पर रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 120 रन की पारी खेली। तो वहीं रविंद्र जडेजा 52 और अक्षर पटेल 52 रन की नाबाद पारी खेलकर मैदान पर खड़े रहे। ऐसे में जब तीसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ तो तीसरे दिन रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने मिलकर शानदार शुरुआत कर दी। हालांकि तीसरे दिन रविंद्र जडेजा ने अपनी पारी में 4 रन का इजाफा किया और 7 रन तीसरे दिन बन जाने के बाद भारतीय टीम को 8वां झटका लग गया, जहां पर गेंदबाज मर्फी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज जडेजा को क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां पर जडेजा 185 गेंदों पर 9 चौके की मदद से 70 रन की पारी खेलने के बाद क्लीन बोल्ड हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद शमी आए, जहां पर मोहम्मद शमी ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर दी। इस बीच मोहम्मद शमी ने 131 ओवर में लगातार 2 छक्के लगा दिए और अक्षर पटेल के साथ अर्धशतकीय साझेदारी कर डाली, साथ में 200 रन की लीड भी हासिल की। तो वहीं 133 ओवर में भारतीय टीम को 9वां झटका मोहम्मद शमी के रूप में गेंदबाज मर्फी ने दिला दिया। दरअसल मोहम्मद शमी ने महत्वपूर्ण 47 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 37 रन की पारी खेली और विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अंतिम विकेट बचाने मोहम्मद सिराज आए तो दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे अक्षर पटेल ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच भारतीय टीम ने 140 ओवर में 400 रन का आंकड़ा छू लिया। इसी बीच 140 ओवर में विरोधी टीम के कप्तान पैट कमिंस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल को 174 गेंदों पर 10 चौके और 1 छक्के की मदद से 84 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ 139.3 ओवर में भारतीय टीम 400 रन पर ऑल आउट हो गई। इस बीच मोहम्मद सिराज ने 1 रन बनाया तो वहीं विरोधी टीम की तरफ से सर्वाधिक मर्फी ने 7 विकेट हासिल किए, तो वहीं पैट कमिंस ने 2 और नॉर्थन लायन ने 1 विकेट हासिल किया। इसी के साथ भारतीय टीम ने 223 रन की लीड हासिल की। ऐसे में 223 रन का पीछा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए आई तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा ने लंच के बाद की। तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद शमी ने की, जहां पर मोहम्मद शमी ने पहली ही गेंद नो बॉल डाल दी। इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरी गेंद भी नो बॉल के रूप में डाल दी और अपनी टीम के लिए गेंदबाजी में खराब शुरुआत की। हालांकि उस्मान ख्वाजा ने 1 रन लेकर अपना खाता खोल लिया और पहले ओवर में 3 रन आ गए। जिसके बाद दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने रविचंद्रन अश्विन को बुलाया, जहां पर रविचंद्रन अश्विन ने उस्मान ख्वाजा के सामने दूसरी ही गेंद पर चौका खा लिया और अपनी खराब शुरुआत की। लेकिन इसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उस्मान ख्वाजा को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें, उस्मान ख्वाजा 9 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 5 रन बनाने के बाद विराट कोहली के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए पिछले पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाले मार्नस लबुशने आए, जहां पर उन्होंने अपना खाता पहली ही गेंद पर 1 रन के साथ खोल दिया। तो वहीं चौथे ओवर में रविचंद्रन अश्विन के सामने डेविड वार्नर ने 9वीं गेंद पर अपना खाता खोला। हालांकि अगले ओवर में मोहम्मद शमी के सामने बल्लेबाज मार्नस लबुशने ने 2 चौके लगाकर अपनी बल्लेबाजी में तेजी ला दी। तो वहीं छठे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रविचंद्रन अश्विन ने एक मौका बनाया, लेकिन डेविड वार्नर का एक आसान सा कैच स्लिप में खड़े विराट कोहली ने 1 रन के स्कोर पर छोड़ दिया। हालांकि इसी बीच सातवें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आए और अपने ओवर में 1 भी रन नहीं दिया। तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरी तरफ से 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा को बुला लिया, जहां पर उन्होंने भी अपने पहले ओवर में 1 भी रन
नहीं दिया और दोनों बल्लेबाजों को काफी ज्यादा हैरान कर दिया। तो वहीं 11 ओवर में रविंद्र जडेजा का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिल गया, जहां पर उन्होंने पहले बल्लेबाज मार्नस लबुशने के द्वारा एक चौका खाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बार फिर से ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर बल्लेबाज को LBW आउट कर दिया। इस बीच मार्नस लबुशने ने 28 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 17 रन की पारी खेली, लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए स्टीव स्मिथ आए। तो वहीं दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे डेविड वार्नर ने 14 ओवर में रविचंद्रन अश्विन को लगातार 2 चौके लगा दिए, लेकिन इसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने वापसी करते हुए डेविड वार्नर को अपनी फिरकी में फंसाया और LBW आउट कर दिया। आपको बता दें, डेविड वार्नर ने 40 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 10 रन की पारी खेली। तो वहीं अब बल्लेबाजी करने के लिए रेशो आए, हालांकि ये भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 16 ओवर की पहली ही गेंद पर रविचंद्रन अश्विन का शिकार हो गए और 2 रन बनाकर LBW आउट हो गए। इसी के साथ 42 रन पर 4th विकेट गिर गया और जिस अंदाज से गेंदबाजी चल रही है उसे देख लग रहा है कि भारत आज मुकाबला जीत जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को कितने रन पर ऑल आउट कर देगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।